नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे श्रमिक कल्याण सेवा समिति ई रिक्शा यूनियन के लोगों ने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा। दरअसल आपको बता दें, श्रमिक कल्याण सेवा समिति ई रिक्शा यूनियन के तत्वावधान में तीसरा अधिवेशन का आयोजन शहीद परविंद्र निर्वाल स्मारक स्थल खुडाना रोड शामली में किया गया, जिसमें शहर के काफी ई रिक्शा चालकों ने हिस्सा लिया। पवन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए ई रिक्शा चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने का आह्वान किया। इसी के साथ सभी ई रिक्शा चालक पैदल मार्च करते हुए शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी शामली को 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि उनकी 5 मांगे जो इस प्रकार हैं कि नंबर 1, ई रिक्शा चार्जिंग के लिए बिजली फ्री हो। नंबर 2, सभी ई रिक्शा का टैक्स माफ किया जाए। ई रिक्शा चालकों का 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सुनिश्चित हो। जनपद में ई रिक्शा स्टैंड बनाए जाए। और ई रिक्शा यूनियन के लोगों ने कहा कि अगर उनकी यह मांगे नहीं मानी गई तो भविष्य में ई रिक्शा चालक आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। श्रीमान जी, देखिए, लगभग एक ई रिक्शा चालक एक साल में 15 से 30 हजार रुपए चार्जिंग के देता है। सबसे पहली मांग है, जैसे किसान का बिजली का बिल माफ कर दिया गया, ई रिक्शा चालकों के लिए भी बिजली फ्री कर दी जाए। मांग नंबर 2, ये है, जैसे किसानों का बीमा होता है 5 लाख रुपए का, कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं, मजदूर को कुछ नहीं मिलता, हमारा भी एक 5 लाख का बीमा हो। मांग नंबर 3, अभी जनपद में विस्तार हो रहा है और स्टैंड के लिए रिक्शा चालकों के लिए कोई जगह नहीं है। हम भी चाहते हैं, हमें भी जहाँ भी बस स्टैंड बने उसकी बराबर में भी एक जगह मिल जाए। और मांग नंबर 4, अभी जो नई रिक्शा आई है वे 15 साल के लिए सरकार ने पहले से फ्री कर दी है। हम चाहते हैं जो पुरानी रिक्शा है उनका भी टैक्स माफ हो जाए। ये 4 मांगे लेकर के हम तहसील पहुँचे हैं। शहर में लगातार ई रिक्शाओं को लेकर जाम की स्थिति भी है, इसके लिए आपको जिला प्रशासन द्वारा भी कई बार अवगत कराया गया जी, तो इसके लिए आपने क्या कार्य योजना तैयार कराई है? बिल्कुल श्रीमान जी, जैसे ही आपका ये बाईपास खुलता है, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता इसमें कुछ होगा, क्योंकि शहर बहुत छोटा है, इनके रूट में नहीं बना सकता, ना ही संभव है। मैंने करके देख लिया, उसमें बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही बाईपास चलेगा मैं स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके रूट बना दूंगा और ये समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि रूट बनने का एक रीजन ये भी है कि इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शहर में जाम लगता है और जाम का सबसे मुख्य कारण फिलहाल ई रिक्शा है। बिल्कुल श्रीमान जी, मैं भी शहर का निवासी हूँ, गाड़ी से बाइक से मैं भी गुजरता हूँ, उससे मैं भी रूबरू, लेकिन जैसे ही ये विस्तार होगा उसके तुरंत बाद आपको रूट बना देके दे जाए, शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आज स्पेशल सबसे बोल दिया गया, यातायात नियमों का पालन करिए, जब तक नहीं चलता आगे इस बात की शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।